नमस्कार राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रात के 8 बज रहे हैं और मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूं और ये है मेरा भतीजा। तो बस भतीजे के साथ ही यहाँ पे हमारी जो मस्ती है वो चल रही है और अभी रात का हमें खाना भी बनाना है। तो आज का जो व्लॉग है वो शुरू हो चुका है जी। ये कौन आया है भाई, ये कौन है भाई, बूजी हाँ जी पापा जी, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, तो रात के 9 बजने वाले हैं और पापा जी को दलिया वगैरह दे दिया है और इन सब के लिए नमकीन चावल बना रही हूँ, अब बनने के लिए रख दिए हैं और अपने लिए आलू उबाल रही हूँ क्योंकि आज मेरा व्रत है जन्माष्टमी का। तो फिर अपने लिए आलू ही उबलने के लिए रख दिए हैं और हमारी जो ननद दीदी हैं चाचा जी की बेटी, तो वो भी आए हुए हैं। और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारे मंदिर में कीर्तन वगैरह होती है तो वहाँ पे भी हमें जाना है। तो फिलहाल मैं पहले घर का काम निपटा लेती हूँ और दीदी भी आए हुए हैं तो इनके साथ भी थोड़ी देर बातें शातें कर लेते हैं। पापा जी के पास ही बैठे हुए हैं तो पापा जी की तबीयत भी काफ़ी ठीक है, काफ़ी सुधार आया है इनकी तबीयत में और रोज़ रोज़ हॉस्पिटल जा। केड़ी लिखी मते महापुरुषों का कहना से चार दिनों का कहना महापुरुषों का कहना से चार दिनों का कहना महापुरुषों का कहना से चार I'm
कौन बोलता है के बेकदर बहुत ही भगवान की Yeah.
चुके हैं जी, खाना जी का जन्म हो चुका है। आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले लिया है जी। और कैसा रहा हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार, तो यही मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया है कैसा हमारा दिन रहा है। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।